चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं फलक शेख, आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबर। पीलीभीत क्षेत्र के बिलसंडा में हुई बेटियों की हत्या को लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के हाजी रियाज अहमद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिला अध्यक्ष समेत कई कट्टरवाद नेता, जो कि मृतक परिवार से मिलकर उसके बाद उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मृतक परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, आप जिले में आज जो कुछ भी चल रहा है मुझसे ज्यादा आप बेहतर इसलिए जान रहे हैं कि आप पूरे जनपद में घूमने का काम कर रहे हैं। यह घटना बहुत ही बड़ी घटना है और इस घटना को हल्के में जिला प्रशासन को नहीं लेना चाहिए। इस घटना को बड़ी गंभीरता के साथ लें। दो सियानी बच्चियों की हत्या हो जाना कोई मामूली घटना नहीं है, लेकिन रवैया प्रशासन का बिल्कुल मामूली दिख रहा है, इसलिए ये संवेदनहीनता का जो प्रकरण है ये ठीक नहीं है। इसे समाजवादी पार्टी सड़क के प्लेटफार्म से उठाने का काम करेगी और जब तक इनके परिवार के लोगों को और मृतकों के को न्याय सही तरीके से नहीं मिल जाता। मुआवजे का प्रश्न है, मुआवजे का सवाल है। किसी की जान का बदल पैसा नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं कि जख्म पे मरहम भी लगाना चाहिए, तो मुआवजा मरहम का काम करेगा, किसी की जान का बदल नहीं बन सकेगा। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से इस मरहम की धनराशि प्रत्येक जो है मृतक